कांग्रेस अगर प्रियंका के आने से मजबूत होती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। जब कांग्रेस मजबूत थी तब कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा था, तो आज तो होने का सवाल ही नहीं है। और चुनाव है, चुनाव में जिसको भी लड़ने आना होगा तो अपनी अपनी बात कहेगा, हम क्या जनता को देंगे। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि आखिर में इसको आना ही नहीं है, कुछ देना नहीं है, इसलिए कहना है। बात समझ गए ना? चूंकि हमको देना नहीं है तो हम कह रहे हैं, क्योंकि हमको आना नहीं है। आना है अखिलेश यादव को, इसमें अब कहीं दो राय रही नहीं गई है। अगर बहुत बड़ी कोई बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो समझिए कि अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, जनता ने उनको भेज चुकी है। लेकिन कांग्रेस, हम जिस पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को ही लेकर के मुख्य ये तीन थी तो संपूर्ण क्रांति जो लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में हुई थी, तो मुख्यतः उसमें महंगाई था और उससे लाख गुना महंगाई आज बढ़ी हुई है। तो उसमें मुद्दा बना करके सत्ता परिवर्तन हो सकता है अगर महंगाई कम नहीं किया जाता, नहीं तो इस बार भी महंगाई को मुद्दा लेकर के ही सत्ता परिवर्तित होगा। इसलिए होगा कि खरीदना सबको है, महंगाई की सबसे ज़्यादा मार जो है गरीब वर्ग पर पड़ता है। क्योंकि सरसों का तेल जो अरबपति है उसको भी उतना ही दाम में मिलेगा, जो दमरीपति है उसको भी उसी दाम में मिलेगा, तो उसके पास तो पैसा ही नहीं उतना खरीदने के लिए। तो सबसे मार गरीबी के तो गरीब पर है, चाहे किसी जाति का हो। तो इसलिए सारे महंगाई से त्रस्त लोग मन बना लिए कि सरकार को हमको हटाना है। आप